हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं आर्यन त्यागी और आप देख रहे हैं सिने समाचार। अभी कुछ देर पहले ही अजय देवगन मास महाराजा अजय देवगन की नई फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का टीजर रिलीज हुआ है और इस फिल्म को लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं। वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म बेस्ड है रियल इंसिडेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 1971 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी तो वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर विजय कार्णिक जी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबेस बनाया गया था 300 लोगों को साथ में लेकर के, लोगों को नहीं एक्चुअली वुमेन को शायद साथ में रखा गया था। और ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था एक मधापुर करके गांव है वहाँ पर, तो उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। और इसके बैकग्राउंड में 1971 की जो इंडो पाकिस्तान वॉर थी वो भी रहेगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अजय देवगन जी की भी तानाजी के बाद में ये पहली फिल्म आ रही है। मतलब जब तानाजी रिलीज़ हुई थी तो हम सबको पता है वो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, और उसके बाद में काफ़ी एक्साइटेड था कि अब अजय देवगन जी का जो स्टारडम है वो किस लेवल पर जाएगा। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कोरोना हो गया और बहुत सारी फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन फिर अब भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का टीज़र हमारे सामने है, तो टीज़र शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार इसके स्टार कास्ट पर हम नज़र डाल लेते हैं। इसके अंदर है अजय देवगन, संजय दत्त भी है इसके अंदर, सोनाक्षी सिन्हा है, एमबी विर्क है, नोरा फतेही है, शरद केलकर भी है, परिणीता सुभाष है जो कि अभी हंगामा 2 में भी शायद देखने को मिलेगी, और इहाना ढिल्लो है। और इसे डायरेक्ट किया है अभिषेक दुधारिया ने, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट एनीवे अभी शुरू करते हैं। अभी है तो सिर्फ 32 ही सेकेंड का, तो ज़्यादा कुछ तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन जल्दी से पहले देख लेते हैं कि क्या है। 1 2 3 here we go। बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। डैम, अजय देवगन सर की वॉइस, ये देखो पहले घुसबम। मेरे मरने का मातम मत करना, ये शहादत मैंने खुद चुनी है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। क्या लाइनें थी, और ऊपर से अजय देवगन सर की वॉइस में, मतलब जब वो इन लाइंस को बोलते हैं ना तो एक अलग सा ही फील आता है, मतलब प्राउड वाली फीलिंग आती है बहुत ही ज़्यादा। वैसे टीज़र तो बहुत ही छोटा था, 32 सेकंड का दिखाया गया था, लेकिन उसमें से भी काफ़ी बाद में ऐड आए, और शुरुआत में डिज्नी का ऐड आया तो 20-25 सेकंड के आसपास ही सिर्फ दिखाया, लेकिन 20-25 सेकंड के अंदर ही एक अलग ही फील में लेके चला गया था ये हमको टीज़र। टीज़र छोटा था तो ज़्यादा कुछ तो फिल्म के बारे में रिवील नहीं किया गया है, और ना ही मैं कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, बट तीन चीज़ों के बारे में मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि वो चीज़ें तगड़े लेवल की होने वाली है। पहली चीज़ है BGM, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब जब आपने टीज़र को भी देखा होगा तो जैसे ही टीज़र शुरू होता है तो हम लोग एक अलग ही फील में चले जाते हैं, वो उसके बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से था। दूसरी चीज़ है इसकी सिनेमाटोग्राफी, इसकी सिनेमाटोग्राफी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, एटलीस्ट टीज़र पे तो लग रही है, तो ट्रेलर बाकी कल आने वाला है तो ट्रेलर को देख करके पता चलेगा कि किस लेवल पर ये फिल्म जा रही है। और तीसरी जो चीज़ है, तीसरी जो चीज़ है वो है कि जो इसमें इमोशंस होने वाले हैं, इमोशंस बहुत बढ़िया लेवल के होने वाले हैं। ऐसा मुझे जो लास्ट वाला जो सीन था जिसके अंदर अजय देवगन सर वो मिट्टी से झाड़ते हुए खड़े होते हैं, उसको देख करके मुझे लग रहा है कि इसके अंदर इमोशंस, मतलब कभी कभी ये होता है ना कि आपको एक शॉट से ही लग जाता है कि डायरेक्टर का जो विज़न है उसका पता चल जाता है कि क्या है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है उस सीन को देखने के बाद में कि इसके अंदर जो इमोशंस होने वाले हैं वो बहुत बढ़िया होने वाले हैं। मतलब वो जो प्राउड वाले, और जो मतलब समझ जाओ यार आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी आई एम श्योर वही फील किया होगा जो मैं फील कर रहा हूँ। अगर इस टीज़र के बारे में ओवरऑल बात करूँ तो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ऊपर का ये टीज़र निकला। मतलब मेरा जो एक्साइटमेंट था अगर वो यहाँ था तो इस टीज़र के बाद में इस फिल्म को लेकर के मेरा एक्साइटमेंट वहाँ पहुँच गया है। मतलब समझ रहे हो ना आप, आई होप आपका भी ऐसा ही हुआ होगा, और क्यों नहीं हुआ होगा यार, मतलब टीज़र है ही इतना बढ़िया। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और तुम्हारा भाई हूँ यार, सपोर्ट करो, मतलब सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, थोड़े बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ यार, और काम भी बढ़िया ही करता हूँ ना यार। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।